बॉडी से बाहर आ जाता है, ऐसी कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो जहां पे एक कंपोनेंट होता है जिसे कहा जाता है सर हिपेरिन, जैसे आपने देखा होगा कि घर में पेरेंट्स रहते हैं तो हम लोग शैतानियां नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में जब आपके घर में फादर है तो आप शैतानी नहीं करेंगे, लेकिन इसी तरह बॉडी में जब तक हिपेरिन है, हिपेरिन के रहने से ब्लड क्लॉटिंग के कोई भी फैक्टर्स वर्क नहीं करते, लेकिन जैसे हिपेरिन ऑक्सीजन या अदर सॉरी ऑक्सीजन नहीं अदर गैसेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस, ऐसी कंडीशन में हिपेरिन क्या हो जाता है सर, डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये डीएक्टिवेट हुआ, अब इसके बाद कौन कौन से फैक्टर है जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, सीरोटोनिन। ये सारे हिपेरिन के रहने पे, सपोज कीजिए ये आपके फादर है और ये आपके भाई बहन है, जब तक ये रहे तो आप लोग कैसे रहोगे, डीएक्टिवेट। लेकिन जैसे ये घर से बाहर गए तो आप लोग क्या हो जाते हो, एक्टिवेट, घर में शैतानी शुरू कर देते। उसी तरह सेम कंडीशन हिपेरिन का बॉडी में वर्क होता है कि बिल्कुल भी ब्लड क्लॉट होने नहीं देता, ब्लड की थिकनेस को मेंटेन करता है, लेकिन जैसे पर्टिकुलर ब्लड से हिपेरिन अदर गैसेस के कॉन्टेक्ट में, हिपेरिन सर हो गया डीएक्टिवेट। ऐसी कंडीशन में प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, सीरोटोनिन, ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जहां पे सीरोटोनिन का मैक्सिमम जो मेजर फंक्शन होता है वो उनका काम होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना। जब भी आपको कोई कट लगता है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग ये सोचो ना कि जल्दी से उसको प्रेस कर दें, और प्रेस करने के बाद वहां से ब्लड का फ्लो क्या हो जाए, रुक जाए। तो ऐसी कंडीशन में मेजरली हम लोग की बॉडी में सीरोटोनिन क्या करता है, ब्लड के फ्लो को यानी ब्लड वेसल्स जो ब्रेक होगी उनको क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। उसी के बाद प्रोथ्रोम्बिन अपने आप को कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में तुरंत क्या कर देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चल के वर्क करता है फाइब्रिनोजन में। और फाइब्रिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है, जिनको एक्टिव फॉर्म में करने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम लगता है जो इसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा किसमें, फाइब्रिन में। जिसके बाद आपके उस वोन्डेड पार्ट में जहां आपको चोट लगी रहेगी वहां पे एक लेयर बनती है, थ्रेड लाइक लेयर बनती है, पहले सीरम रिलीज होता है, सीरम के क्लॉट होने से यानी जम जाने से आपको दिखता होगा, एक ब्राउनिश लेयर बनती है जिसको आप क्या कहते हैं, जनरली कहते हैं सर चोट लगने के बाद पपड़ी पड़ गई। अब ऐसे कंडीशन में जब वो ठीक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 दिन बाद एक ब्राउन लेयर पड़ जाती है जिसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सोचते हैं हमारी स्किन पे एक मार्क है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बट ऐसा करना कभी कभी हार्मफुल हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो फाइब्रिन है ये सीरोटोनिन जहां पे सेक्रेट हुआ है उनकी वेसल्स पे रहता है, वेसल्स उसमें टेम्परेरी ब्लॉक होती है। जब टेम्परेरी ब्लॉक रहेंगी तो ऐसी कंडीशन जैसे हम क्या करेंगे, जैसे इस फाइब्रिन को रिलीज करेंगे वहां से ब्लड वेसल्स फिर से क्या करेंगे, ब्लड का सेक्रेट स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब आपको चोट लगे तो उस फाइब्रिन लेयर को मत निकालिए, अगर आपको इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही तो आपको क्या करना है, जनरली आपको ये परफॉर्म करना है कि वहां पे ऑयल लगा लीजिए, जनरली आप लोग क्या सब क्या कोकोनट ऑयल या जनरली कोई मेडिसिन होती है जो इरिटेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे जब इरिटेशन कम होगा धीरे धीरे जब इनर लेयर यानी इनर एपिडर्मल लेयर आपकी फिल हो जाएगी तो आउटर लेयर जो आपकी बनी रहेगी फाइब्रिन की वो इजिली क्या हो जाती है सर, निकल जाती है। जब निकल जाती है तो आपको रिलीफ हो जाता है, और अगर आप बार बार उस फाइब्रिन को रिलीज करोगे तो वहां पे क्या हो जाता है, एक डार्क मार्क बन जाता है। क्यों, क्योंकि सेल अपने आप को रिपेयर करने में क्या करती है, बार बार जब रिपेयर करेगी तो वहां सेल जंक्शन जो होगा अपने को क्या करेगा, एक पर्टिकुलर आउटग्रोथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें जनरली देखा जाता है कि पर्टिकुलर मार्क बन जाते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि ऑपरेशन सर्जरी के केस में, सर्जरी के केस में जब एनेस्थीसिया लगाया जाता है उसके साथ साथ और भी मेडिसिन दी जाती है, जहां पे सबसे जनरली देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई ब्लड टुवर्ड्स द ब्लड वेसल। ऐसी कंडीशन जब हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एड्रेनलिन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले एड्रेनेलिन हार्मोन्स को मेंटेन करते हैं, जहां पे डॉक्टर का कहना ये रहता है कि अगर हम एड्रेनेलिन को मेंटेन कर गए तो बॉडी में ऑपरेशन क्या हो जाएगा, इजिली सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन वो प्लेटलेट्स के अमाउंट को मेंटेन करते हैं, जैसे प्लेटलेट्स का अमाउंट मेंटेन हुआ क्या होता है कि ब्लड का फ्लो भी मेंटेन रहता है और पेशेंट को बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी जिसे एनीमिया कहा जाता है ये डिफिशियंसी नहीं आती। जैसे आप लोग जब भी कभी कोई बीमारी से सफर करते हो तो डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, डिपेंड करता है कि आपको हुआ क्या है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, पर्चा लेंगे, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, या तो एक आता है सर आपका सीबीसी काउंट। सीबीसी काउंट को कहा जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी पूरी तरीके से ब्लड के सारे कंपोनेंट को क्या कराते हैं, टेस्ट करा लेंगे, जो कि एक कॉस्टली टेस्ट है, इसको नहीं कराना चाहिए।
सबसे पहले देखना चाहिए हीमोग्लोबिन परसेंटेज करा लीजिए कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रेवल कराने की कैपेबिलिटी दे रहा है। अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट फिक्स है तो यानी आपकी मेटाबॉलिक, यानी जिसे कहा जाता है बीएमआर रेट, बॉडी मेटाबॉलिक रेट क्या है, एक नॉर्मल अमाउंट में चल रहा है। फिर दूसरा आता है टीएलसी और डीएलसी। टीएलसी और डीएलसी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर हम लोग की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, पैथोजेंस का इन्फेक्शन है, तो ये टीएलसी और डीएलसी का अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ टीएलसी डीएलसी के अमाउंट को देखने के साथ साथ अगर बॉडी में फीवर है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पर्टिकुलर डेंगू से रिलेटेड यानी डेंगू वायरस, या पर्टिकुलर ये चेक करते हैं कि हाँ हमारी बॉडी में ब्लड से रिलेटेड अगर पैथोजेंस अवेलेबल है, जो हम क्या कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी के नंबर को काउंट करके इजीली आइडेंटिफाई करें कि हाँ पैथोजेंस की अवेलेबिलिटी। जनरली देखा जाता है कि जब भी ब्लड टेस्ट होता है तो प्लाज्मा को फिल्ट्रेट करके, यानी ब्लड प्लाज्मा से ही ज्यादातर टेस्ट किए जाते हैं, जहां पे बैक्टीरिया को टेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया कल्चर किया जाता है। इस प्लाज्मा को जैसे बैक्टीरिया कल्चर के जो अगार अगार का कल्चर लेते हैं, जहां पे ड्रॉप करते हैं, बैक्टीरिया अपने को क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 6 आवर्स में बैक्टीरिया अपने आप को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। कैसे 6 आवर्स में बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड किया है, वो 6 12 आवर 12 24 आवर वो अपने आप को 5 to 8 times मल्टीप्लाई कर चुका है, जिसको जनरली स्ट्रक्चर से क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई करके बताया जा सकता है कि ऐसी दिक्कत है। दूसरी आती टेस्ट की बात, जहां पे एसजीपीटी एसजीओटी यानी जॉइंटी से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आता है, तो ये पता चलता है कि भाई अगर ब्लड में सीरम बिल रूबिन बिल वर्डिन पिगमेंट की अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो उस अमाउंट को इजिली क्या किया जाता है। आज के करेंट टाइम में तो बहुत सारी किट आ गए जो जनरली ब्लड के प्लाज्मा से इजिली बता सकते हैं कि आपके ब्लड का कंसेंट्रेशन एक्चुअल में है क्या चीज। जब इस ब्लड कंसेंट्रेशन को मेजर किया जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ एसजीपीओटी या एसजीओटी का अमाउंट क्या है, जिससे जॉइंटिस को इजीली ट्रीट किया जा सकता है कि हाँ भाई डायग्नोस कर लिया गया कि हाँ पर्टिकुलर वही मेडिसिन खाए। दूसरा आता है डायबिटीज के केसेस में। डायबिटीज के केसेस में जनरली हम लोगों ने देखा है आपके यहाँ या किसी के यहाँ फैमिली में, कोई पेरेंट्स में अगर होंगे, तो जनरली देखा जाता है कि हर मंथ वो बिफोर ईटिंग एनी काइंड ऑफ फूड मटेरियल एंड आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद भी वो क्या करते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं, जहां पर ये जनरली वो लोग चेक करते हैं कि आपके पेरेंट्स की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल है क्या चीज। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, पहले वो पीपीआई टेस्ट करते हैं, पीपीएस टेस्ट करते हैं, उसके बाद आफ्टर फास्टिंग, जहां पर ये चेक करते हैं कि अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन है तो बॉडी में ना टायर्डनेस होगी, ना पर्टिकुलर ओबिसिटी की प्रॉब्लम आएगी, और उसके साथ साथ हम लोग की बॉडी के किडनी फंक्शन भी क्या करें, प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस केस ब्लड रिलेटेड डिजीज है, जो कि इजिली क्या हो जाती है, बॉडी में अदर अदर ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर पेरेंट्स में, जैसे मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, यानी अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ब्लड प्रेशर का भी सिम्टम इजिली अवेलेबल हो जाएगा। ये तो था हमारी बॉडी का ब्लड, जहां पे इनके फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, जनरली देखें तो ब्लड का जो जनरली फंक्शन होता है वो क्या होता है, बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल का, यानी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, इवन हम लोग की बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी रिलीज करने का काम कर रहा है, बॉडी के पीएच को मेंटेन कर रहा है, बॉडी में हार्मोन्स एंजाइम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर को जनरली मेंटेन करता है। जैसे घर में देखे होंगे, अगर आपके घर में कोई ओल्ड पर्सन होंगे तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर सर्दियों में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स क्या करते हैं, भैया दादा दादी को अच्छे से ब्लैंकेट मिलता ही, लेकिन अगर हम लोग की बॉडी की बात किया जाए तो हम लोग की बॉडी ब्लड की प्रेजेंस के कारण क्या रहती है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अब इन टेम्परेचर मेंटेन करने के कारण बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, प्रॉपरली रेगुलेट होती है, लेकिन इनके ट्रांसपोर्टेशन का जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है हम लोग की बॉडी का ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, चलिए हम यहाँ पे फिर से वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, तो चलिए ह्यूमन हार्ट को देखते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में जनरली देखा जाए, पहले लोकेशन की बात की जाएगी, लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इनका क्या होता है, मिडिल ऑफ द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी अगर देखा जाए तो इनकी लोकेशन क्या है, मिडिल ऑफ द चेस्ट कैविटी और झुका की तरफ है, स्लाइटली टिल्ट है आपके लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि हम लोग की बॉडी में हार्ट का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, जहां पे इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना, लंग्स से प्योर ब्लड को फिर से हार्ट में ले आना और हार्ट से फिर से ले आ जाने के काम करना। लेकिन जनरली आप लोग मूवीज में देखते हैं कि हार्ट का काम क्या है, दिल से सोचिए, दिल का काम सोचने का नहीं है,
केवल और केवल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, और हम लोग की बॉडी में ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करना। किसी भी तरीके का सोचने का काम, सोचने का काम किसका सर, हम लोग के ब्रेन का, बाकी कोई फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता है। चलिए आइए इसके स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। देखिए सर, अगर जनरली देखा जाए तो ह्यूमन हार्ट मेल और फीमेल में सर अलग अलग साइज का होता है। ह्यूमन हार्ट की बात किया जाए तो ह्यूमन हार्ट मेल में होता सर 300 to 350 ग्राम, और यही फीमेल में इनका जो वेट होता है 250 to 300 ग्राम का अप्रोक्सीमेटली होता है। यानी एक रेंज दी गई है कितने वेट का होगा, 300 ग्राम का, या तो पर्टिकुलर 250 ग्राम का मेल और फीमेल में। और उसके साथ साथ जैसे आप लोग छोटे रहे होंगे या कहीं आपने देखा हो, कुछ लोग कहते हैं हार्ट बनाइए तो पेड़ पे, पर्टिकुलर वॉल पे ऐसे बना देते हैं, पर्टिकुलर पान का पत्ता, ऐसा नहीं होता। उनका स्ट्रक्चर एक्चुअल कैसा होता है, क्लेंच्ड फिस्ट टाइप का, यानी बंद मुट्ठी की तरह स्ट्रक्चर होता है। यानी कैसा होगा स्ट्रक्चर, क्लेंच्ड फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा। जनरली इसमें देखा जाता है कि जो क्लेंच्ड फिस्ट जो रहता है उनमें स्ट्रक्चर का देखा जाए तो पर्टिकुलर ह्यूमन का हार्ट जो है मैमेलियंस में एक वेल डेवलप हार्ट है। वेल डेवलप हार्ट का मीन्स क्या है कि आवर हार्ट हैविंग 4 चैम्बर्स। और इनके स्ट्रक्चर की बात जहां पे चले, जहां पे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ह्यूमन का जो पर्टिकुलर हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल्स की एक स्पेशलिटी है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कार्डियक मसल्स नेवर गेट टायर्ड। और अगर ये टायर्ड हो गया सर तो ऐसी कंडीशन उस पर्सन की क्या हो जाएगी, सडन डेथ हो सकती है। क्यों, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में हार्ट वर्क करना बंद कर देता है। बना किससे है सर, कार्डियक मसल से या कार्डियक टिश्यू से बना हो, जहां पे क्वालिटी क्या बताई गई, जैसे बर्थ होता है तब से लेकर के सिंस बिफोर डेथ, डेथ से पहले ये पर्टिकुलर क्या करता है, वर्क करने का काम करता है। अब आगे सुनिए, अब कार्डियक मसल्स के बाद देखा जाता है कि कितने चैम्बर पाए गए सर, 4 चैम्बर की अवेलेबिलिटी देखी गई, जिसमें अपर 2 चैम्बर क्या कहलाते हैं, आरिकल्स कहलाते हैं, आर्ट्रियम कहलाते हैं, और लोअर चैम्बर क्या कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। अब उसके साथ साथ इनको देखा जाए तो पर्टिकुलर जो ह्यूमन हार्ट है वो सराउंडेड रहता है पेरिकार्डियम मसल से। किससे सराउंडेड रहता है, पेरिकार्डियम मसल से, जिनका मेन काम होता है कि हार्ट में किसी भी तरीके के जर्क को प्रोटेक्ट करने का। यानी किसी भी टाइप का जर्क आए उसको इजिली क्या कर ले, हमारा हार्ट प्रोटेक्ट कर ले। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लेसेस पे जाते हैं जहां पे साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, या पर्टिकुलर साइन हम कहीं रनिंग कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो हार्ट बाउंस करके, ऐसा नहीं कि बाउंस करके माउथ से बाहर आ जाए, वो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड है, ब्लड वेसल्स उसको पूरी तरीके सराउंडेड किए, उसके साथ साथ वहां पे कार्डियक मसल्स जो हमारे ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से सराउंडेड है, जो कि हार्ट को मूव करने नहीं देता। और उसके साथ साथ उनकी अपर कवरिंग पे क्या है, पर्टिकुलर लेयर है जो टिश्यू फ्लूइड है, जो क्या करता है हमारे हार्ट को जर्क से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि एक्चुअली स्ट्रक्चर होता कैसे। अगर हार्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो जनरली जो पेरिकार्डियम मसल्स हैं वो वहां पे सबसे पहले हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, जहां पे एक सुपीरियर पार्ट जो ब्रेन का है जिसमें ब्लड लाने का काम आता है सुपीरियर वेना का वाला, और दूसरा लोअर पार्ट यानी ट्रंक के नीचे एक पार्ट जिसे कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा का पार्ट। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा हमेशा राइट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी से ब्लड लेके आते हैं, और कौन सा ब्लड आएगा सर, इंप्योर ब्लड आएगा। आपने जाना कि अपर 2 चैम्बर क्या कहलाता है, आर्ट्रियम, यानी ये पर्टिकुलर एक सेप्टा से अलग रहता है, जो कि हार्ट को क्या करते हैं पर्टिकुलर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। तो अपर चैम्बर क्या है, ये वॉल V1 है, जहां पे होता है सर ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जैसे आपने देखा होगा ये क्या करता है, जैसे पर्टिकुलर ब्लड आया, ब्लड आने के बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो जाते हैं, ये राइट वेंट्रिकल की तरफ ओपन हो जाए। जैसे राइट वेंट्रिकल की तरफ ओपन हुए, ब्लड कहाँ चला आया, राइट वेंट्रिकल में। अब यहां पे एक पा जाता सर पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऐसी कंडीशन पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगी कहां पर, लंग्स। लंग्स में एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है एल्वियोलाई, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज के बाद ये पर्टिकुलर ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स। जैसे आपने पढ़ा आर्टरी वेन कैपिलरीज के लिए कि आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड लेके जाती है, वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे कौन एक पर्टिकुलर चीजें हैं जिसको समझिए कि पल्मोनरी आर्टरीज का वर्क क्या होगा कि हमेशा हमारे हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक ले जाना, और पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होगा, लो प्रेशर के ब्लड को कहां तक लेके आना,
पर्टिकुलर लेफ्ट आर्ट्रियम तक। और लेफ्ट आर्ट्रियम में बाइकस्पिड वाल्व होगा जो डायरेक्ट ओपन होगा कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी जो पर्टिकुलर वेंट्रिकल की मसल्स होती हैं ये जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। इन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का मेन वर्क होता है, क्योंकि ये वर्क हमारी बॉडी जो होती है एज अ पोलर मैग्नेट वर्क करती है। पोलर मैग्नेट का आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि पोलर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ऐसे कंडीशन में जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होती है तो उसको ऐसी डायरेक्शन में लिटाया जाता है जिससे उसकी डायरेक्ट बॉडी की डायरेक्शन हमारे पोलर मैग्नेट के एग्जैक्ट सिमिलर हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है पर्टिकुलर हार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए एक बार आया कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, दूसरे टाइम उसी टाइम आया क्या सर आपका प्योर ब्लड। अब देखिए हार्ट का जो पर्टिकुलर वर्क होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्सपेंड हुआ। जब ये पर्टिकुलर हार्ट के अपर टू लोअर टू चैम्बर क्या हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऐसे कंडीशन ये आर्ट्रियम के जो पर्टिकुलर चैम्बर होते हैं क्या करते हैं ब्लड को कैरी करते हैं। जैसे कैरी करें ये पर्टिकुलर वॉल्व ओपन होंगे वेंट्रिकल के साइड और ये वेंट्रिकल की मसल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करके इन ब्लड को क्या करते हैं भेजने का काम। उसी तरह यहाँ पे वेंट्रिकल की जो मसल्स होंगी ये क्या करेंगे मेन एओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी। अब इसमें देखा जाता है कि ब्लड कितनी बार आ रहा है सर, टू टाइम आ रहा है, एक बार इम्प्योर ब्लड दूसरी बार क्या आ रहा है प्योर ब्लड आ रहा है। जहां पे एक आपको डिफिनेशन पढ़नी है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल, जब भी यहाँ पे हार्ट में पढ़ा जाएगा तो वहां पे कार्डियक साइकिल पढ़ा जाता है, टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल ब्लड कम्स ट्वाइस इन द हार्ट, टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल ब्लड कम ट्वाइस इन द हार्ट। दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किन में पाया जाता है, द ऑर्गेनिज्म दोज़ हू कंसिस्ट फोर चैम्बर हार्ट, यानी जो ऑर्गेनिज्म फोर चैम्बर हार्ट कंसिस्ट करते हैं उन्हीं में क्या पाया जाता है पर्टिकुलर कार्डियक साइकिल कैपेबिलिटी पाई जाती है। जैसे ह्यूमन बॉडी फोर चैम्बर कैरी कर रहा है, फिशेस टू चैम्बर थ्री चैम्बर्स कैरी करते हैं, कुछ पर्टिकुलर अदर ऑर्गेनिज्म है जहां पे हार्ट की अवेलेबिलिटी है जैसे पर्टिकुलर अर्थवर्म, लेकिन वहां पे हार्ट पूरी प्रॉपर चैम्बर में अवेलेबल होती है यानी वेल डेवलप हार्ट चैम्बर अवेलेबल है, ऐसी कंडीशन वहां पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा। अब इस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का बेनिफिट क्या है, अब देखिए सर एक बार हार्ट ब्लड रिसीव कर रहा है दूसरी बार ब्लड क्या कर रहा है हार्ट सेंड करने का काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि अगर देखें तो गैसेस एक्सचेंज का मेजर फंक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज का मेजर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है लंग्स में। ऐसी कंडीशन जब लंग्स परफॉर्म कर रहा है तो हमें हार्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सर ये जाने की हार्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाती है कि अगर हम लोग की बॉडी में केवल लंग्स होता हार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का लंग्स बहुत जल्दी क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है। लेकिन उसी के प्लेस पे क्या हार्ट है, अब यानी ट्रांसपोर्टेशन के कितने मोड हो गए, मान लो के पास दो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हो गए, ऐसी कंडीशन में क्या होगा ब्लड इजिली ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा और बॉडी की लाइफ स्पैन क्या हो जाती है सर इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम लोग का हार्ट क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसके लिए सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पर्टिकुलर पल्मोनरी आर्टरीज पल्मोनरी वेज जो प्रॉपर इन प्रॉपर प्योर और इनप्योर ब्लड को लेके जा रहे हैं, अब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेट डिसबैलेंस है यानी हार्मोन्स या पर्टिकुलर किसी फैक्टर के कारण डिजीज के कारण ये प्रॉब्लमेटिक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर पल्मोनरी आर्टरीज या वेन्स है जो क्या कैरी कर सकते हैं, ये जनरली कैरी कर सकते हैं फैट मॉलिक्यूल जो आगे चल के क्या करते हैं हम लोग के पर्टिकुलर वॉल्व में यानी हार्ट के जो फोर वॉल्व है वहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करने पड़ेगा। जब प्रॉपर प्रेशर नहीं पहुंच पाता तो ऐसी कंडीशन में हार्ट वर्क करना बंद कर देते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक इंपल्स दिया जाता है यानी पेशेंट को लिटाया जेल लगाया मशीन लिया लगाया बॉडी बाउंस की, लेकिन वहां पर यह ध्यान दिया जाता है कि वोल्टेज का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि डायरेक्ट आप प्लग लगाए 220 वॉट किए जेल लगाया बॉडी को दिया करंट। ऐसी कंडीशन में अगर आपने 220 वाट का करंट यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स बॉडी में दिया तो पर्सन तुरंत क्या कर जाएगा कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं 20 वाट 50 वाट 60 वाट 110 वाट तक इलेक्ट्रिक इंपल्स देते हैं, लेकिन जनरली ये देखा जाता है ट्वाइस और थ्राइस इंपल्स देने के बाद अगर हार्ट वर्क नहीं किया तो पर्सन को क्या माना जाता है डेथ माना जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट देने के बाद पर्सन ऑलरेडी क्या कर जाएगा उनके ऑर्गन कोलैप्स कर सकते हैं, तो इसका ध्यान देना पड़ता है। ये चीजें जब आप आगे चल के और पढ़ोगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। तो हार्ट के केयर के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर एक्सरसाइज यानी अगर आप देखें तो हम लोग की लाइफ में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है किसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की रिक्वायरमेंट, यानी अगर कोई वॉक कर रहा है
तो वॉक करने से ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, जब बॉडी के फैट ब्रेक डाउन होंगे, जिसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर आर्ट्रियम या वेन्स में इन पर्टिकुलर फैट मॉलिक्यूल का डिपोजिशन नहीं होता, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हार्ट को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे दो टॉपिक और आपको पढ़ना है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। अगर आपने कभी स्टेटोस्कोप टच किया हो तो वहां पे साउंड लगाने के बाद हार्ट क्या करता है, एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे कहा जाता है हार्ट बीट। यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होते हैं दो, लव और डव। अगर जब पर्टिकुलर ब्लड क्या होगा रिसीव होगा तो वहां प्रोड्यूस होता है लव, और जब ये ब्लड को सेंड करता है तो वहां साउंड क्या प्रोड्यूस होता है, डब साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसके पर्टिकुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन से ये साउंड हम लोग क्या करते हैं, इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब डॉक्टर्स का जो मेजर वर्क होता है वो क्या होता है, इन साउंड को पहले आप जाते होगे तो स्टेथोस्कोप आपके चेस्ट में पर्टिकुलर बैक में लगा के चेक करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ हार्ट का फंक्शन क्या एक प्रॉपर चल रहा है। अगर प्रॉपर चल रहा है तो उसके बाद आगे चल के कोई भी टेस्ट नहीं कराते, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मेडिकल साइंस में कहेंगे ECG करा लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसका एक्चुअल मींस कोई नहीं निकलता, लेकिन लोग क्या करते हैं, चलिए ECG का फंक्शन परफॉर्म करने, जो क्या करता है, हाँ चलो भाई ECG कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी, लेकिन हार्ट की केयर करना एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी आपकी खुद की है, जिससे आप हार्ट को क्या कर सकते हो, हमेशा मेंटेन कर सकते हो। तो ये था आपका ब्लड और ह्यूमन हार्ट। इसके अगले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल आप लोग का PTM है, तो कॉपीज देखने यानी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने जरूर आइए अपने पेरेंट्स के साथ। और सभी लोग ने वैक्सीनेशन करा लिया है जितने लोग क्लास में ऐड हुए हैं, चलिए तो कल इसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक समझ में आया सभी को, तंजीला, आतिया, सार्थक, कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग के पास मेरे नंबर्स हैं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमें इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या है प्रॉब्लम आई है।